नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, हमने कल आपको बतलाया था कि मछला रानी का अपहरण कैसे करता है ज्वाला सिंह। उसके बाद वो ले जा करके अपने महल में रख देता है, ये सारा वृत्तांत आपको बताया था। और जब सुबह होती है तो जैसे ही देवला माता जगती हैं, देखती हैं कि अब तो ये दोपहर जैसी हो चली है, तब वो दासी के द्वारा खबर भेजती हैं रानी मछला के लिए कि बेटा बहुत देर हो गई, अब जग जाओ और हमारे धर्म के अनुसार हमें जल्दी जगना चाहिए, लेकिन शायद थकावट की वजह से तुम देर तक सोती नहीं, अब समय हो गया है, उठ जाओ। लेकिन बांदी जब पूरे महल में कहीं पर रानी मछला को नहीं पाती है तो आकर के देवला से कहती है कि माता, कहीं पर भी मछला का कोई पता नहीं है। तो सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं और वास्तव में कहीं से कोई चिन्ह नहीं मिलता है कि कैसे मछला चली गई, या कोई उठा ले गया, या धरती निकल गई, या आसमान में उड़ गई। तो सारे वनाफर शोकग्रस्त हो जाते हैं और एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं। उसी समय इंदल आता है, तो इंदल से ये बात छुपा ली जाती है, कह देते हैं कि बेटा कुछ नहीं है, अचानक संदेश आ गया तो तुम्हारे मामा के घर चली गई है तुम्हारी माँ। उसी समय राजा परमाल आते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है मछला के हरण की खबर सुन करके आए हैं। तब इंदल कहता है, आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला और लाओ मेरी माँ कहाँ है, मैं उसकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। और वो तरह तरह का विलाप करने लगता है, जैसे तैसे उसको समझाया जाता है, विचार मंथन होने लगता है कि अब क्या किया जाए। तो उदल कहता है, बावन गढ़ों में पत्र लिखकर भेज देते हैं, किसी का ऐसा साहस नहीं है जो ये जान ले कि ये बनाफरों की पत्नी है और कोई हमें बताए नहीं। तबाला कहते हैं, इससे बदनामी बहुत हो जाएगी। लेकिन जब अंतोगत्वा कोई समाधान नहीं दिखता, तब सभी राजाओं को पत्र लिखा जाता है और दो से चार दिन में हर राजा के यहाँ से जवाब आता है कि हमने नहीं देखा मछला को, ना हमें कोई जानकारी है। आला कहते हैं, मेरा बड़ा हसुआ हो गया, यानी कि मेरे संसार में बड़ा प्रयास हुआ कि आला की स्त्री भाग गई। और यही सब चिंतन चलता है, तभी अचानक से उदल कहता है कि अब अगर एक उपाय है जिससे हो सकता है काम बन जाए, तो एक गिद्ध गिद्धनी का जोड़ा मछला के पिताजी के द्वारा भैंस स्वरूप दिया गया था और आला उदल ने आकर के उसको भक्सी में डलवा दिया था, जहाँ वो शादी के सालों बाद तक वैसे ही पड़े रहे, किसी ने उनके खाने पीने की भी सुधि नहीं की। तब उदल कहता है कि गिद्ध की उड़ान बहुत ऊंची होती है और अगर उनसे हम आप कहें तो जरूर जो है हमारी आपकी जो है खोज पूरी हो सकती है। तब दाला सैयद कहते हैं, ठीक है इसको निकलाओ। और उन्हें निकाल करके जब कहा जाता है तो वो गिद्ध कहते हैं कि आज तक ना तुमने हमारी सूरत की, आज तुम्हें हमारा ध्यान आया है,
तब वो कहते हैं कि इसमें हमारी भर नहीं, आपके राजा की भी नाक कटेगी। तो वो कुछ सोच करके जीत तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, और कहते हैं कि हमारे पंखों को तो दी ने खा लिया है, अब हम कैसे जा सकते हैं, वहाँ हम लोग मृत्युतुल्य पड़े रहे। तब जो है बहुत अच्छे उनको भोजन कराए जाते हैं, मेवा मिष्ठान खिलाते हैं और उनके पंख धुलवाते हैं, तो पंछी अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगते हैं। तब वो कहते हैं आप चिंता ना करें, अगर वो पृथ्वी पर कहीं भी है तो हम खोज करके लाएंगे। और भी पूरी ईमानदारी के साथ में बावनगढ़ में विचरण करते हैं, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे नरवर हो, चाहे बलग बुखारा हो, चाहे वो कोई भी गढ़ नहीं छोड़ा उन्होंने जहाँ ना गए हों। और जब उनको कहीं नहीं दिखाई देती है मछला, तो वो जो है वापस आ रहे होते हैं, तभी गीत कहता है अब क्या मुंह लेकर के हम लोग महोबा जाएं, और हम मछला बेटी को खोज नहीं पाए तो मेरे तो जी में ये आता है कि यहीं प्रारंभ कर दूं। तब जो गिद्धनी थी साथ में वो कहती है हमने आपने दूर दूर तो सब जगह देखा है, लेकिन पास के राज्यों में नहीं देखा है, चल करके वहीं नज़र डालेंगे, हो सकता है अब आस पास ही हो मछला। इतनी बात सुनकर वो गिद्ध जो है सहमत हो जाता है, और कुछ ही दूरी पर पक्षी जा पाता है, तो वहाँ से सतखंडा में नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि एक रानी खड़ी है, उसके कर्ण फूलों से बहुत तेज चमक निकल रही है। तब गिद्ध कहता है लगता ये मछला है, क्योंकि मछला के जो कानों के कुंडल हैं उनमें बहुत अद्वितीय चमक है। और पास को जाते हैं तो वो जो है अब मछला के ऊपर अपनी छाया कर देते हैं, तो उस छाया के कारण उसकी जो चमक निकल रही थी वो ख़त्म हो जाती है। तब गिद्ध दृष्टि वैसे भी तेज होती है, वो दोनों पहचान जाते हैं। तब वो मछला के पास चले जाते हैं, कहते हैं ये तूने बेटी क्या किया, दोनों कुलों की नाक कटवा दी, यहाँ नेपाली राजा का मान सम्मान चला गया और उधर आला उदल की भी तूने शान बिगाड़ दी। तो मछला रोने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सो रही थी अपने पलंग में और मुझे पलंग के समेत ही कोई उठा के यहाँ ले आया। तो मछला कहती है कह देना उदल से अब मेरी आशा छोड़ दे, क्योंकि भारी जादू है ज्वाला सिंह के पास में, और उस जादू के साथ साथ माता चंडी का भी आशीर्वाद है। तो गिद्ध कहते हैं तुम बेटा धैर्य धारण करो, हम लोग अभी जाते हैं महोबा और वहाँ जा कर के उदल को पूरी बात बताते हैं, और वो जरूर कोई समाधान निकाल लेगा। इतना कहकर वो पंछी हो जाते हैं और पहुँचते हैं नगर महोबा। आते ही वो उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तब वो गिद्ध कह देता है कि हमने पूरे बावनगढ़ में खोजा है लेकिन हम कहीं नहीं खोज पाए। तब आला कटान निकाल करके मरने को तत्पर हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, ऐसी सुंदर स्त्री मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, और जो देश कोश में मेरी बदनामी हो गई उसका भी कोई तोड़ ना रह गया। तब वो गिद्ध कहता है रुको महाराज, मैंने तो एक हसगुआ किया था, मछला यहीं आपके ही पास में है, इसी बात से मुझे हंसी आ रही थी, ये सारे बावनगढ़ों में फैलाए, तब हमको पथरीगढ़ में मछला मिली,
इतना सुनकर उदल भभक उठता है, बहुत ज्यादा क्रोध में कहता है, ज्वाला सिंह की ये मजाल, मैं उस पथरीगढ़ को शमशान बना दूंगा। तो ताला सैयद कहते हैं, धैर्य रखो, ये पंछी हैं, इन्होंने जांच कर लिया कि ये मसला है, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या है, क्या माहौल है, इसकी जानकारी होना चाहिए। अभी उधर आक्रमण करना ठीक नहीं है, हम और तुम चलते हैं पथरीगढ़ का भेद लगाने। इतनी बात सुनते ही उदल सहमत हो जाता है, कहता है ठीक है चाचा, हमने आपकी बात से कब इनकार किया है, चलिए चलते हैं, क्या वहाँ की स्थितियाँ हैं अभी पता लगा कर आते हैं। और सैयद और उदल चल देते हैं पथरीगढ़ की ओर। जब वहाँ पहुँचते हैं पथरीगढ़, तो इनका आपस में विचार बनता है कि एक साथ न चल करके अलग अलग चलेंगे, और तुम मनिहार बन जाना, यानी कि चूड़ी बेचने वाले, और मैं सन्यासी का वेश धारण किए लेता हूँ। इस तरीके से पहले सैयद का जाना तय होता है। तो सैयद संत वेश में पहुंच जाते हैं, और जो पथरीगढ़ के बीच में बहुत बड़ा कुआं था, उसी में जाकर अपनी धुनी रमा देते हैं। जो सेठों की लड़की हैं, वो आकर कहते हैं, महाराज क्यों धूप में तप रहे हो, हमारे भवन में चलिए और वहीं विश्राम करिए। सैयद कहता है, अगर हमें विश्राम ही करना होता तो हम अपना घर बार क्यों छोड़ देते। और ये खबर पहुंच जाती है पथरीगढ़ की महारानी के पास। सुगा पंखनी बताती है कि माता, कुआं में जो है योगी आया है कोई, बहुत सुंदर बंसी की तान है उसकी। तब माता कहती है, बेटी तुम भूल कर भी न जाना, ये कोई योगी योगी नहीं है, बहुत ही छल करने वाले हैं महोबा के, और इनके छल से कोई पार नहीं पा सकता है। तो बेटी कहती है, नहीं माँ, उस सन्यासी ने अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मैं भोजन लेकर के जा रही हूँ, अगर वो कोई क्षत्रिय होगा, राजा होगा या राज सैनिक होगा, तो स्वादिष्ट व्यंजन देख करके खुद को नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर कोई साधु होगा तो उसे स्वाद से क्या मतलब है, वो तो अस्वाद भोजन करते हैं। तो बेटी बहुत सुंदर थाल को सजाती है और लेकर के सोने के गड़ुआ में पानी को जाती है, और जब वहाँ पहुँचती है योगी को प्रणाम करती है। योगी आशीर्वाद देते हैं, कहती है, महाराज आप यहाँ बेकार कुआं में पड़े हुए हैं, और चलिए राजमहल में ही आपको चंदन के लक्कर तपवाएंगे, और आप वहीं पर रहिए। तब वो सन्यासी कहते हैं कि मैं अगर इतना ही भूखा होता धन दौलत का, तो बेटा मैं घर बार क्यों छोड़ देता, मैं अपनी स्वेच्छा से योगी बना हूँ, कोई विपत्ति का मारा नहीं हूँ, मंगलगिरी मेरा नाम है। इस तरीके से बात करते हैं योगी। तो कन्या कहती है कि हम आपके लिए भोजन लाए हैं, इसे ग्रहण कर रहे हैं। तब योगी कहते हैं कि ये तो हमारे भजन का समय है बेटा, हम पूरे दिन में एक बार ही भोजन लेते हैं, और अगर आज आप खिलाना ही चाहती हैं तो ये मेरा तुम्बा है, इसी तुम्बे में सब कुछ डाल दो, जो ये तुम्हारा खर्रस भोजन है ये एक स्वाद हो जाएगा। और वो लेकर के अपने तुम्बे में उस भोजन को डलवा देते हैं। तो जब बेटी देखती है कि भोजन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है,
तब वो अपने मन में निश्चय करती है कि ये कोई सच्ची योगी ही है और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। और चार घड़ी का समय हो गया, सैयद नहीं आए हैं। तब उधर अपने मन में ये विचार करता है कि या कोई आपत्ति आ गई चाचा के ऊपर, मैं अभी जा कर के पता लगाता हूँ। तो अपना मनिहार का वेश बना लेता है और पहुँच जाता है पथरीगढ़ में। तो जिस गली से गुजरता है तो आवाज़ देता है, ले लो चूड़ी चूड़ी वाला। तो जो बच्चे हैं या स्त्रियां हैं, कोई चूड़ी पहनते हैं, कोई देखते हैं। इस तरीके से उगल को भी बेचने से कोई मतलब नहीं था, तो वो भी बहुत कम समय में अपनी बात को ख़त्म करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। वह तो जिस प्रयोजन से आया है और वो अपने कार्य को पूरा करने में लगा है। इस तरीके से करते हुए महलों तक पहुंच जाता है और वहां आवाज़ देता है, ले लो चूड़ी ले लो, हरी हरी पीली पीली, जिसमें हीरे का काम है, मोतियों से जड़ित हैं। तो जब सूरा पंखनी सुनती है तो कहती है, माँ बहुत अच्छी चूड़ियाँ कोई बेचने आया है। तब रानी कहती है, तू बार बार जो है भ्रमित हो जाती है, ये सब महोबा के ही हैं जो तरह तरह के रूप बनाकर आ रहे हैं, तू मेरी बात मान और इनके चक्कर में मत पड़, अगर तेरे पिता ने सुन लिया तो खैरियत नहीं रह जाएगी। तो छुआ पंखनी कहती है, माता यहाँ कौन पिता है, मैं जल्दी से उससे चूड़ियाँ पहन करके और उसको यहाँ से भगा दूंगी। तो माता तैयार हो जाती है, बुलाया जाता है चूड़ी वाले को। तो छुआ पंखनी की माँ कहती है कि तुम कौन हो, किस देश के हो। तो वो बताता है कि मैं पहले तो जो है बहुत बड़ी मेरी जागीरदारी थी और जब से जो है पृथ्वीराज ने आक्रमण करके महोबा नगर को लूट लिया, आला उदल मारे गए, तब से हम लोग सब रोजगार करने लगे हैं, क्योंकि चौड़ा ने इतना ज़्यादा कर लगा दिया है, सारी ज़मीनें अपने कब्जे में कर रखी हैं, तो खेती करने का कोई मतलब नहीं रह गया, नहीं तो हम लोग किसान थे। तो रानी कहती है कि ये छलछंदी है कोई, इसको अभी राजा को बुलवा कर बंदी बनवा देते हैं। तब सुआ पंखनी कहती है कि तुम्हारे चूड़ियों का व्यापार कैसे शुरू हो गया, जब तुम लोग किसान थे तो ये क्या जानो। तब वो कहता है कि हमारे पास ही में चूड़ियों का बहुत अच्छा व्यापारी है, उसी ने हमें ये काम सिखाया जब हमारी दशा खराब देखी, और उसी ने अपना कुछ माल दे करके हमें नियुक्त कर दिया कि तुम जो सारा हिसाब बाद में दिया करो माल बेचने के। तब इतनी बात जब सुआ पंखनी सुनती है तब वो कहती है, माँ ये मुझे तो लगता है सच बोल रहा है। तो उसी समय रानी कहती है, उस महोबा की राजकुमारी से पूछो, वो अगर ये महोबा का होगा तो इसे अवश्य पहचानती होगी। सुआ पंखनी कहती है, मैं उस दुष्ट के यहाँ तो कभी न जाऊंगी। और बांदियों को साथ में कर देती है उदल के कि जाओ तुम अपनी पहचान करा कर वापस आओ। उदल जाता है तो वो बड़े हिसाब से अपना कोड वर्ड में बात कर देता है मसला से, महारानी जी प्रणाम, मैं हूँ महोबा का चूड़ी वाला, खुदा भगत। तो मछला कहती है, अरे खुदा भगत बहुत दिन में देखने को मिले, क्या हाल है महोबा के, तुम्हारे पिता अली वक्त ठीक है कि नहीं है। फिर वो कहता है, आप तो रानी यहाँ आ गई, वहाँ पृथ्वीराज ने जुल्म गुजार दिया,
घर घर महोबा लुटवा लिया और चौड़ा ने पूरा सारी जमीनें छीन ली हैं। उसी के कारण हम लोगों ने यहाँ चूड़ियों का रोजगार शुरू किया है। ऐसी तमाम बातें करता है, तब दासियाँ उसे लेवा कर सुआ पंथनी के महल में आती हैं। तो वो दासियाँ उन्हें इशारे में बता देती हैं कि हाँ इसका सही है और ये महोबा का रहने वाला है, मछला इसको जानती है। अली बख्श खुदा बख्श नाम बता देती हैं कि ये खुदा बख्श है, इसके पिता का नाम अली बख्श है। तब रानी को थोड़ा सा विश्वास हो जाता है। उसके बाद वो चूड़ियाँ पहनाता है। तब जो है सुबह पंथनी कहती है क्या दे दूँ मैं आपको, तो कहता है जो आपकी इच्छा हो वो दे दो, क्योंकि जैसे देने वाले महुआ में थे वैसे तो कहीं है ही नहीं। सुआ पंखने उसे चूड़ियों से दुगनी कीमत देती है और उधर ले करके निकल आता है। भ्रमण करते करते उसी कुआ में पहुंच जाता है और सैयद को प्रणाम करता है तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वो पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कौन हो। तब वो कहता है कि मैं मनिहार हूँ, चूड़ियाँ बेचने का काम करता हूँ। तब सैयद कहते हैं ये सब मोह माया है, भ्रम जाल है, दीक्षा लेकर के तुम गुरु बनाओ और अपना जीवन धन्य करो। तब उधर वहीं सारी चूड़ियाँ तोड़ देता है और कहता है आप मुझे दीक्षा दीजिए। वो कहते हैं यहाँ नहीं देंगे, तुमको नैमिषारण्य में ही दीक्षा देंगे। तो ऐसी बातें करते हैं, सेठों के लड़के रोकने लगते हैं मनिहार को कि भैया हम तुम्हारी दुकान यहीं बाजार में खुलवा देंगे, योगियों का धर्म बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से उदल और सैयद उनकी एक नहीं सुनते हैं और नगर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर पहले आकर रुके थे। और इतना ज़्यादा श्रम करने के बाद दोनों को हो जाती है थकान, तो दोनों उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये कहानी यहाँ तक की? हम आपको कल इसके आगे का भाग सुनाएंगे। जैसा भी आपको लगा हो ये वीडियो तो आप हमें अपने कमेंट्स के द्वारा सूचित करिएगा, लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। नमस्कार।